क्या आप भी सुविस्केलेटन के जैसे वीडियो बनाकर फेमस होना चाहते हैं? अबे साले, तो हम वीडियो झक मराने के लिए देखने आए हैं क्या? आज के इस वीडियो में मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप शुभ स्केलेटन के जैसे रोस्ट वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, वो भी आप सिंपली से काइन मास्टर ऐप में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल के लिए निकलना है। तो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। और गाइस, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तू वीडियो चालू कर, हम लाइक सब्सक्राइब सब कर देंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आप जो रोस्ट वीडियो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं और वायरल हो सकते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना है, यूट्यूब पर अवेलेबल कोई भी क्रिंज कंटेंट या फिर कोई भी आप जिसे भी रोस्ट करना चाहें उसका वीडियो यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में आपको सिंपली से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में गाइस आपको क्या करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल आपको लगेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर 16:9 ये वाला रेशियो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी मटेरियल मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसमें आपको वीडियो मिलेगा, तो वो वीडियो आपको सिंपली से ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर इसे सिंपली से क्या करना है, इस वाले वीडियो को यहाँ पर जूम कर लेना है। जूम करने के बाद में आपको यहाँ पर दोनों को बराबर कर लेना है। बराबर करने के बाद में आपको राइट क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है गाइस, जिस भी वीडियो को आपको रोस्ट करना है वो वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेना है। आपको यहाँ पर मीडिया वाला ऑप्शन क्लिक कर देना है। अब गाइस आपको क्या करना है, जितना भी क्लिप आप रखना चाहते हैं उतने क्लिप पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर कट लगा देना है। जाने के बाद में इस पर कट वाला ऑप्शन लगा देना है, यानी कि इसे ट्रिम कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 2-3 आपको दिखाने के लिए कट्स लगा दिए हैं। इसके बाद में आपको क्या करना है गाइस, ये जो स्केलेटन मीम वाले टेम्पलेट वाला वीडियो है इसे भी आपको कुछ इस टाइप से कट कर लेना है, स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद में इसमें भी आपको जगह जगह पर थोड़े थोड़े स्प्लिट कर देना है। अब आपको क्या करना है गाइस, ये वाले स्केलेटन मीम को यहाँ पर पकड़ लेना है, कुछ इस टाइप से होल्ड करने के बाद में आपको इसे फ्रंट में लेकर आ जाना है। ये जो हमारा फ्रंट फर्स्ट वीडियो है इसके सेकंड में आपको लेकर आ जाना है। तो अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पर आपको टेक्स्ट ऐड कर लेना है, यानी कि इसका जो फ्रंट है यहाँ पर ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको लेयर वाला ऑप्शन क्लिक करना है और यहाँ से आपको टेक्स्ट को ऐड कर लेना है। कुछ इस टाइप से आपको जो टेक्स्ट है उसे ऐड कर लेना है। आप अपनी माइंड की क्रिएटिविटी के हिसाब से कोई भी फॉन्ट या फिर कोई भी जो रोस्ट टेक्स्ट है वो ऐड कर सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद में आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है और इसका जो फॉन्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इसे रोबोटो बोल्ड वाला जो फॉन्ट है उसे क्लिक कर दिया है। अब आपको क्या करना है गाइस, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में इसकी आउटलाइन यहाँ पर इनेबल कर देना है। तो ये जो हमारी आउटलाइन है वो इनेबल हो जाएगी और राइट क्लिक कर देना है। इसे राइट क्लिक करने के बाद में आपको वीडियो जितने भी सेकंड का है उतने सेकंड तक आपको इसे एडजस्ट कर लेना है। जैसे आपको सेकंड वाला वीडियो लेना है जो हमारी नेक्स्ट फ्रेम आने वाली है उनमें आपको इसी टाइप से ऐड कर लेना है, डुप्लीकेट कर लेना है। डुप्लीकेट करने के बाद में इसे होल्ड करने के बाद में आगे की साइड लेकर आ जाना है। तैयार कर लीजिएगा। तैयार करने के बाद में आपको सिंपली से यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है, ये वाला बटन क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद में वीडियो की साइज अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पर इसे 1080 पिक्सल पर रखा हुआ है। इसे करने के बाद में आपको एक्सपोर्ट कर लेना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में। तो ठीक है, अब मैं भी चलती हूँ, मुझे कपड़े धोने हैं।